नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक आराधना मिश्रा दकरा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के संदर्भ में जानकारी दी गई। इस दौरान विधायक विकास ठाकरे, विशाल मुत्तेवार समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पत्र परिषद के दौरान बोलते हुए आराधना मिश्रा बोली कि केंद्र की भाजपा सरकार विश्व के सबसे युवा देश के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं दे पा रही है। देश के प्रत्येक परिवार को महंगाई की आग में झोंक दिया गया है। किसानों को आमदनी दुगुनी करने का कोरा झांसा दिया गया। समाज के पिछड़े दलित आदिवासी वर्गों को तरक्की का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अवसर बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए ही सृजित किए गए हैं। इन सभी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत को नफरत, निराशा और नकारात्मकता के दलदल में ढकेल दिया गया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह पदयात्रा अब जम्मू पहुंच गई है और 3900 किलोमीटर लंबी यात्रा का आज 131वां दिन है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे उत्तर भारतीयों के संरक्षक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, श्री उमाकांत अग्निहोत्री जी, विशाल जी जो हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे आमंत्रण पर आप सब यहाँ पधारे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज आप सबको हमने यहाँ आहूत किया है। विषय है राहुल गांधी जी की जो भारत छोड़ो जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा जो लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और आने वाली 30 तारीख को उस श्रीनगर में झंडा फहराकर राहुल जी उसका समापन करेंगे। लक्ष्य क्या था यात्रा का, ये आप सब जानते हैं कि जो एक नफरत और नकारात्मकता की राजनीति इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर रखी थी, उस पर, उस जमीन पर एक एकता की और प्यार की इमारत बनाने का लक्ष्य लेकर राहुल जी चले थे। हम सब लोगों ने लगातार यात्रा में हम लोग रहे, हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी रहे, हमने ये भी देखा कि उस यात्रा के दौरान इस देश का सामान्य व्यक्ति, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब राहुल जी के साथ चले। ये यात्रा महंगाई, बेरोजगारी के सवालों का जवाब देने के लिए भी थी। ये यात्रा समाप्त तो होगी 30 जनवरी को, पर जो हमारा लक्ष्य है कि राहुल जी की इस यात्रा जो हर शहर हर जिले में नहीं पहुंच पाई, इस संदेश को हम कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, तो 26 जनवरी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है कि हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि ब्लॉक स्तर पर हम इसे लेकर के जाएंगे और इस देश के अंतिम व्यक्ति तक, जो राहुल जी का और इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, वो वहाँ तक पहुँचाना है। इसकी औपचारिक शुरुआत 26 तारीख तक होगी और एक महीने तक ये अभियान हर प्रदेश में, हर जिले में और हर ब्लॉक में ये शुरू होगा, और जिलेवार, ब्लॉक और ब्लॉक स्तर पर और फिर बूथ स्तर पर इसी तरह की पदयात्राएं कांग्रेस के वरिष्ठ लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो अभियान को और अधिक व्यापकता प्रदान करने के लिए समूचे देश में 26 जनवरी से 26 मार्च तक एक जनसंवाद कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसका नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां करने वाली है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।